आप रोल मॉडल आए थे यहाँ पे, जो गर्ल्स अंडर 14 चल रहा था यहाँ पे, तो क्या बताएंगे आप आज के इस प्रोग्राम के बारे में? तो मेरा नाम मोक्षिका राणा है, मैं 5 नेशनल्स खेल चुकी हूँ मार्शल आर्ट्स और थ्रो बॉल में। तो यहाँ पे मुझे बुलाया गया, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। मैंने ऑनरेबल जाफर सर को बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ और स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन को। तो सबसे पहले मैं ये बताऊँगी कि मुझे यहाँ पे देख के इतनी पार्टिसिपेशन बहुत खुशी हुई। डोडा की लड़कियाँ भले ही थर्ड आई हूँ, बट ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है डोडा डिस्ट्रिक्ट के लिए। पहली बार डोडा डिस्ट्रिक्ट मेज़बानी कर रहा है वॉलीबॉल चैंपियनशिप की, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। डोडा डिस्ट्रिक्ट में सब कुछ है, स्पोर्ट्समैन बहुत अच्छे हैं, बट इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा कमी है। जो कि सपोर्ट एक चाहिए होता है स्पोर्ट्समैन को, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बिल्कुल भी नहीं है। इनकरेजमेंट नहीं है। मेरे जितने भी पार्टनर्स टीममेट्स गए नेशनल, उनको कोई सपोर्ट नहीं था। शायद सपोर्ट होता तो हम और अच्छा करते और मेडल्स आते। तो मैं चाहूँगी कि जितनी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी, वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सके, ताकि हम और भी ज़्यादा नेशनल्स के लिए खेल सकें और भी ज़्यादा मेडल्स ला सकें। सबसे पहले तो अपील यही रहेगी मेरी कि हमें इंडोर स्टेडियम दिया जाए, ताकि लड़कियां खुल के प्रैक्टिस कर सकें सबसे पहले। दूसरा, कोचेज दिए जाएं हमें, वर्ल्ड क्लास कोचेज दिए जाएं, क्योंकि हम खुद से प्रैक्टिस उतनी नहीं कर पा रहे हैं जितनी हमें करनी चाहिए। इक्विपमेंट्स नहीं है, इक्विपमेंट्स दिए जाएं हमें। अभी एथलेटिक्स में लड़कियां गई थी, उनके पास इक्विपमेंट्स नहीं थे, वरना वो बहुत अच्छा खेल सकती थी। उनके पास वो शूज़ नहीं थे जो एक स्पोर्ट्समैन को चाहिए होते हैं, तो जम्मू की लड़कियों के पास थे और वो खेल गई बहुत अच्छा। बट डोडा डिस्ट्रिक्ट के पास इक्विपमेंट्स नहीं थे और वो हार गए, तो बहुत कमी है इसकी। मैंने अभी तक 5 नेशनल्स खेल चुकी हूँ और आगे भी, अभी मैं टाइक्वांडो के लिए जा रही हूँ डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप के लिए पुंछ में। अगर आपके स्ट्रगल की बात की जाए, तो आपको क्या लगता है कि क्या कमी रही आपके इस स्ट्रगल में, कि जो आप अभी तक नेशनल तो किया लेकिन कुछ मेडल्स नहीं ला पाए? मेरे नेशनल में मेडल रह चुके हैं, 3 मेडल्स रहे हैं मेरे, 2 सिल्वर और 1 ब्रोंज। पर मेरा गोल्ड हो सकता था, जो कि नहीं हुआ। वो मुझ में ही कहीं ना कहीं कमी रही और मेरे पास उतना ज़्यादा टाइम भी नहीं था, क्योंकि मुझे अपनी स्टडीज़ को भी साथ में रखना था। तो कहीं ना कहीं खुद से भी कमी रही और इक्विपमेंट्स भी नहीं थे मेरे पास, जिनसे मैं एक ट्रेनिंग कर सकूँ, एक अच्छी ट्रेनिंग कर सकूँ। मार्शल आर्ट्स का कोई कोच नहीं था, तो जो मैंने सीखा बाहर के कोचिज से सीखा, उनके साथ जाके सीखा, तो ये कमी रह गई थी मुझमें। आज आपको रोल मॉडल, एज ए रोल मॉडल यहाँ पे आया था, तो आपका रोल मॉडल कौन? मेरे रोल मॉडल जो हैं वो बहुत से लोग रहे हैं, टीवी में देख देख के, बड़े बड़े सुपरस्टार्स को, बड़े बड़े जो आज सेलिब्रिटी बन चुके हैं हमारे स्पोर्ट्समैन, उनको देख के मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली। सबसे पहले हिमा दास, सूर्य भानु प्रताप सिंह जो कि जम्मू के हैं, उनको देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद जो अगला नाम है, नेक्स्ट टाइम थोड़ा तैयारी करके ना, अभी हमें स्कूल में भी पढ़ा। चलो चलो, इसके बाद जो अगला नाम है, अंडर 14 के इस टूर्नामेंट में थर्ड प्लेस अपने नाम की है, डिस्ट्रिक्ट डोडा जो होस्ट डिस्ट्रिक्ट है। गेस्ट है डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर डोडा अशरफ खुडवानी। सर, आप आज इस जो टूर्नामेंट था अंडर 14 गर्ल्स का, तो इसके बारे में बताया, आज ये क्लोजिंग सेरेमनी थी। जैसा कि आज अंडर 14 वॉलीबॉल टूर्नामेंट की क्लोजिंग सेरेमनी थी, इस टूर्नामेंट में लगभग 9 डिस्ट्रिक्ट्स ने हिस्सा लिया है, जिसमें डोडा भी शामिल था। और फाइनल मैच राजौरी और खटुआ के बीच में हुआ, जिसमें राजौरी विनर रहा। बच्चों में एक अच्छा जोश था, वलवला था, लड़कियों ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया और हमारे डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर्स ने बड़ा मुशक्क़त से, बड़ी मेहनत से काम कर इसका आयोजन किया। एंड आई एम हाईली थैंकफुल टू डीजी स्पोर्ट्स सर्विसेज, यूथ स्पोर्ट्स सर्विसेज, जिनकी डायरेक्शन में ये सारा काम हुआ है। और मैं ये चाहूँगा कि डोडा में और भी ऐसी इस प्रकार की टूर्नामेंट्स होती रहें, ताकि बच्चों में जोश और उनका टैलेंट जो है उनको हम टैप कर सकें।
सर, अगर क्योंकि गर्ल्स को लेकर अगर देखा जाए तो गर्ल्स को लेकर अभी भी कहीं ना कहीं वो सोच रखी जाती है, तो उस सोच को बदलने के लिए क्या कुछ अभी करना बाकी है? नो, विद द मूविंग नीडल्स ऑफ टाइम, अब ऐसा मूड्स एंड मूविंग्स नहीं रहे, ऐसी सोशल बाइंडिंग्स नहीं रही कि बच्चियों को रोका जाए, लेकिन फिर भी अगर कहीं ऐसा है तो मैं उन पेरेंट्स से, उन समाज की जितने भी लोग हैं उनसे ये आग्रह करूंगा, ये उनसे मैं ज़रूर कहूंगा कि बच्चियों को हमेशा आगे आने देना चाहिए, उनके टैलेंट को, उनकी जो जितनी भी उनके बीच में खूबियां हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा उजागर करना चाहिए, ताकि हमारे देश की बच्चियां, हमारे जो घरों की बच्चियां हैं वो आगे बढ़कर अपने टैलेंट को प्रदर्शित कर सकें और इस देश का नाम रोशन कर सकें। सर, पुलिस भी बहुत सारे इवेंट्स करवाती रहती है, तो अब हमें गर्ल्स को लेकर पुलिस के द्वारा क्या कुछ आगे देखने को मिलेगा? वी आर वेरी मच होपफुल एंड वी आर वेरी मच यू नो इन द लाइन टू डू सो मैनी थिंग्स फॉर द गर्ल्स ऑल्सो, और हम आगे आने वाले समय में काफ़ी कुछ टूर्नामेंट्स हैं वो गर्ल्स के रिलेटेड भी करवाएंगे। इसमें वैसे हमारा जो जितना भी टूर्नामेंट्स होती हैं वो उसमें हम लोग ये डिस्टिंग्विश नहीं करते हैं कि गर्ल्स के बीच में ही हो या बॉयज़ के बीच में हो, लेकिन क्योंकि आपने ये क्वेश्चन किया है एंड वी विल डेफिनेटली थिंक ओवर इट एंड पॉन्डर ओवर इट। थैंक यू वेरी मच।